Welcome to Shabnam's food recipes. Subscribe my channel and hit the bell icon for latest recipes. Assalamu alaikum. Welcome to Shabnam's food recipe. आज मैं मुगलई सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है, जो आपको बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने आधा किलो गोभी लिए, इस तरह टुकड़ों में काट लिए, 250 ग्राम शिमला मिर्च लिए, वो भी ऐसे काट लिया मैंने टुकड़ों में, 250 ग्राम गाजर लिए, इस तरह काट ली, एक प्याज लिए, एक टुकड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसे हम पेस्ट बना लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और दालचीनी ली है और जावित्री ली है मैंने, 8-9 काजू लिए हैं, ये इसको हम भून लेंगे पैन में डालकर, आधा कप खोया लिया है, 4 टमाटर की प्यूरी बना ली मैंने, 8 चम्मच थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 चम्मच तिल है, 1/4 चम्मच नमक अपने हिसाब से डालें, ये फ्रेश क्रीम ली है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने, गैस ऑन कर दिया, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के मैं भून लूँगी। ये मसाला सारा भून गया, अब इसे मैं निकाल लूँगी। इधर मैंने एक पैन रख लिया है, गैस ऑन कर लूँगी। ऑयल डालना है, ऑयल गर्म हो गया मैं सारी वेजिटेबल इसमें डाल दूंगी, शिमला मिर्च ये फ्राई करनी है, ये गाजर भी और गोभी, ये फ्राई कर लूंगी इस सारी वेजिटेबल। इसे सब वेजिटेबल को फ्राई होते हुए हो गया 10 मिनट, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, आवाज़ भी देखिए भूनने की आ रही है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, गैस मैं ऑफ कर देती हूँ। देखिए मैंने बाउल में निकाल ली सारी वेजिटेबल, मैं गैस ऑन कर लिया, इसी पैन के अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पीसा था ये इसमें डाल लूंगी, दो तीन मिनट भून के इसको मैं और बाकी मसाले डालूंगी इसके अंदर। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ये गरम मसाला, ये भुने हुए मसाले जो थे ये बाकी सारे इसमें डाल दूंगी, मैंने इसे पेस्ट बना लिया पीस के इसका। तो
थोड़ा पानी डाल के भून लूँगी सब्जी मसाले, ये थोड़ा पानी डाल के मसाला भून लूँगी ये। थोड़ा नमक डाल दूंगी मैं, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। खोया भी डाल दिया मैंने इसमें। सारी सब्जियां डाल दी मैंने। थोड़ा पानी डाल के इसको पकाऊंगी जितने सारी सब्जियां गल जाएं। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मेरे स्टाइल में बनाएं। मुगलई सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है सब्जी का। ये टमाटर प्यूरी और क्रीम मैं थोड़ी देर में डालूंगी जब ये वेजिटेबल सारी गल जाएगी। थोड़ा पानी डालूंगी इसके अंदर में। आधे गिलास के करीब पानी डाला है इसमें। मैं इसे ढक के बनाती हूँ। इसे ढक के हम 10 मिनट पकाएंगे, फिर मैं बीच में खोल के देखूँगी। 20 मिनट इसे पकते हुए हो गए सब्जी को। ये सब्जी सारी गल गई। अभी मैं टमाटर प्यूरी डालूँगी और ये तिल। और ये फ्रेश क्रीम। आधा कप के करीब मैं फ्रेश क्रीम डालूंगी। पाँच मिनट सिर्फ पकाऊंगी, फिर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। फिर हमारी सब्ज़ी तैयार है सारी। सब्ज़ियाँ तैयार हो गई हैं, अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब डिश आउट कर लूँगी। देखिए मुगलई सब्ज़ी तैयार है, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें आप भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को हिट करें, इसकी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप कमेंट में बताएं कैसी लगी सब्ज़ी। अगली मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें।